नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 6 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,45,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन कुल मिलाकर 1,727 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,45,861 पर पहुंच गई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम प्रभावित जिले की संख्या की बात करें तो अररिया में 83, अरवल में 13, औरंगाबाद में 50, बांका में 27, बेगूसराय में 53, भागलपुर में 52, भोजपुर में 19, बक्सर में 29, दरभंगा में 35, पूर्वी चंपारण में 73, गया में 38, गोपालगंज में 40, जमुई में 27, जहानाबाद में 34, कैमूर में 9, कटिहार में 58, खगड़िया में 30, किशनगंज में 27, लखीसराय में 22, मधेपुरा में 33, मधुबनी में 67, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 126, नालंदा में 27, नवादा में 25, पटना में 220, पूर्णिया में 98, रोहतास में 28, सहरसा में 64, समस्तीपुर में 27, सारण में 54, शेखपुरा में 24, शिवहर में 27, सीतामढ़ी में 31, सीवान में 17, सुपौल में 47, वैशाली में 23, पश्चिम चंपारण में 58। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,28,376 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 750 लोगों की जान जा चुकी है। BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी आगे। BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत इस परीक्षा के लिए आवेदन भरने की तारीख को 10 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले आवेदन फॉर्म भरने की तारीख 4 सितंबर तय की गई थी। बिहार बोर्ड ने आधिकारिक सूचना जारी करके सभी छात्रों को इस बात से अवगत करवा दिया है। वहीं फॉर्म भरने वाले सभी छात्रों से BSEB की आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर फॉर्म से जुड़ी सारी जानकारी लेने की नसीहत दी है। बिहार के सभी किसानों को खेती के लिए अलग से दी जाएगी बिजली। बिहार के किसानों को खेती के लिए बिजली की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। खेती के लिए सभी किसानों को अलग से बिजली मुहैया करवाई जाएगी। किसानों के लिए डेडिकेटेड फीडर लगाने का काम अलग से शुरू करवाया जा रहा है। हालांकि राज्य में बाढ़ के कारण कुछ इलाकों में योजना को पूरी तरह से बंद करने से थोड़ी परेशानी हो सकती है, मगर बिजली कंपनी की कोशिश है कि इस महीने के हर जिले में इस काम को पूरा कर लिया जाए। योजना पूरा होते ही अगले महीने से राज्य के सभी किसानों को खेती के लिए अलग से बिजली सरकार की तरफ से मिलने लगेगी। RRB NTPC भर्ती परीक्षा में 15 दिसंबर से शुरू होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 1 और अलग अलग पदों के लिए निकाली गई भर्तियों पर 15 दिसंबर से भर्ती परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी एक वीडियो ट्वीट करके दी है। साथ ही इस संबंध में RRB जल्द ही विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम की भी जानकारी देगी। वीडियो में चेयरमैन VK यादव ने परीक्षा तारीख का ऐलान किया है और बताया है कि कुल 1,40,640 रिक्तियों में से जो कि NTPC के तहत भरी जा रही है। आपको बता दें, इन पदों के लिए अभ्यर्थियों से 1 से 31 मार्च 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। गड्ढे में गिरी लड़की को 4 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने निकाला बाहर। यह मामला सुपौल जिले का है, जहां पर रेलवे की लापरवाही सामने आई है। भपटियाही में पिपरा खुर्द के पास बकरी चराने गई लड़की रेलवे की तरफ से खोदे गए गड्ढे में गिर गई थी, जिसके बाद काफी देर तक वो इसी गड्ढे में फंसी रही और बाहर नहीं निकल पा रही थी। हालांकि 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे गड्ढे से सुरक्षित वापस बाहर निकाल लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर लड़की को निकालने के प्रयास में जुटी। पुलिस की तरफ से लड़की को गड्ढे के अंदर जूस और पानी भी दिया गया था। गड्ढा पतला होने के चलते लड़की काफी देर तक उसी में फंसी रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद दिखाई दिए। मुलाकात के दौरान बिहार में हवाई उड़ान विस्तार एवं अन्य शहरों को नागरिक उड्डयन से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी दरभंगा में तैयार हो रहे हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों की मौजूदा स्थिति से भी अवगत करवा दिया है। शिक्षक दिवस के मौके पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बीते दिन शिक्षकों को दी बधाई। शिक्षक दिवस के मौके पर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बधाई दी है, जिसके तहत फागू चौहान ने कहा है कि छात्रों को सामाजिक मूल्यों जैसे सत्य, करुणा, राष्ट्रीय एकता और विश्व मैत्री जैसे उत्तम भावनाओं का सम्मान करने के लिए उत्साहित करना भी शिक्षकों की ही जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे छात्र युवा शक्ति को महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने के लिए कुशल मार्गदर्शन करना शिक्षकों का परम दायित्व है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि शिक्षक देश की भावी पीढ़ी को इस तरह तैयार करे कि उनके मन में देश प्रेम और सद्भावना की भावना विकसित रहे।
बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान पर नीतीश कुमार ने केंद्र से मांगी मदद। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इसी साल की बाढ़ में काफी कुछ बर्बाद कर दिया है। वहीं कुछ दिनों पहले बाढ़ का जायजा लेने केंद्रीय टीम भी बिहार पहुंची थी और केंद्रीय टीम ने भी माना है कि सूबे में भीषण बाढ़ का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। बाढ़ का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम ने गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का दौरा भी किया। इसके साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान के एवज में 3,328,60,00,000 की सहायता राशि की मांग भी की गई है, जिसको लेकर के बिहार सरकार की तरफ से केंद्रीय टीम को ज्ञापन सौंप दिया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे इकबाल दुरानी की। इकबाल दुरानी का जन्म 26 फरवरी 1956 को बांका जिले में हुआ था। इकबाल दुरानी जिसे सबसे सफल एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर है। इतना ही नहीं, उन्होंने बतौर निर्देशक कई सारी फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म दिलाशना को भी उन्होंने ही बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने दीवाना फिल्म का भी निर्देशन किया था। उन्होंने अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध का भी निर्देशन किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने साउथ इंडियन कलाकारों को भी फिल्म में काम करने का मौका दिया है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कई साल पहले की थी। उनकी पहली फिल्म 1988 में लिखी गई थी, जिसका नाम कालचक्र था। बीते दिन शिक्षक दिवस के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के 3 शिक्षकों से की बात। बीते दिन शिक्षक दिवस के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के 3 शिक्षकों से बातचीत की है, जिसके तहत उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम के दौरान बातचीत करके तीनों शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी है, जिसमें संजेवियर स्कूल के शिक्षाकर्मी और पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक केएन पांडे और आरपी सिंह राही का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने गुरुजनों को भी याद किया है। तेजस्वी ने रोजगार का नया रोड मैप किया तैयार। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर चुनाव को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर तेजस्वी यादव ने नया रोड मैप तैयार किया है। बेरोजगारी के मुद्दे को देखते हुए तेजस्वी यादव की तरफ से वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जिसके तहत www.बेरोजगारीहटाओ.co.in पर जाकर बायोडाटा और संपूर्ण सूत्र भरना होगा। इतना ही नहीं, टोल फ्री नंबर 9334302020 पर जाकर मिस्ड कॉल करके पंजीकृत भी करवा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों को बेरोजगार बना रही है। अनलॉक उल्लंघन मामले में बिहार पुलिस ने की 6 करोड़ से ज्यादा की वसूली। बिहार में लगातार कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 3 को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय भी मैराथन तरीके से वाहन चेकिंग मुहिम चला रही है। हालांकि मनमाने लोगों की कमी नहीं है। पुलिस की तरफ से की गई वसूली के आंकड़ों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। साझा की गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देश के बाद बिहार गृह विभाग के आदेश का पालन करते हुए बिहार में 1 अगस्त से लेकर अब तक कुल मिलाकर बिना मास्क पहने लोगों से 83,84,350 रुपए की वसूली की जा चुकी है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 6,09,87,320 रुपए फाइन के रूप में वसूले जा चुके हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को ध्यान में रखते हुए प्लूरल्स पार्टी पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। वहीं पार्टी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान सभी 243 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। वहीं पार्टी का एजेंडा साफ करते हुए उन्होंने बताया है कि जल्द ही मैनिफेस्टो लाया जाएगा, जिसे सीधे साफ हो जाएगा कि नालंदा पहुंची पुष्पम प्रिया चौधरी ने जिले के सुदूरवर्ती कतरी सराय प्रखंड के दरवेशपुरा गाँव का बीते दिन दौरा किया है। उन्होंने किसानों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। कोविड-19 के बचाव के उपाय के साथ बिहार में शुरू हुई पुलिस की ट्रेनिंग। कोविड-19 के चलते स्थगित की गई पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग अभी से शुरू की जा रही है, जिसके बाद इसी महीने से प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स शुरू हो जाएगी। ऐसे में ट्रेनिंग सेंटरों को कोविड-19 से बचाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी बनाई जाएगी, जिसका पालन सभी ट्रेनिंग संस्थानों को किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सिपाही से ASI बनने के लिए PTC कोर्स सिपाही के लिए बेहद जरूरी है। बगैर इससे पास जवान पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते हैं। अलग अलग सेंटर PTC की ट्रेनिंग करा रही है। फिलहाल कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन कटिहार, लखीसराय, जम्मू, अरवल के अलावा डुमराव में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बिहार भाजपा ने चुनाव को लेकर कमेटी का किया ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियां जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में बिहार भाजपा ने चुनाव को लेकर कमेटी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने चुनाव प्रबंध समिति, संचालन समिति, घोषणा समिति और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और मेंबर का ऐलान किया है। चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पर नित्यानंद राय को काम सौंप दिया गया है। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के तौर पर मंगल पांडे को नियुक्त किया गया है। वहीं चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर प्रेम कुमार और चुनाव प्रचार के अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। राजद के बाद अब कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को लिया निशाने पर। बिहार कांग्रेस प्रभारी से राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीते दिन राज्य सरकार पर खूब बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सूबे की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारा सिर्फ मुद्दा युवाओं पर ध्यान देने का होगा। वहीं अब
मौके पर युवा कांग्रेस की रोजगार दो वर्चुअल रैली में बेरोजगार पंजीकरण फॉर्म को भी लॉन्च किया गया है। हालांकि इससे पहले शक्ति सिंह गोहिल ने महागठबंधन से सब कुछ ठीक होने का दावा भी किया था, साथ ही पूरी मजबूती के साथ एनडीए को उखाड़ फेंकने का भी ऐलान किया था। जीतन राम मांझी के बाद वीआईपी प्रमुख महागठबंधन से दिख रहे हैं नाराज। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने के बाद महागठबंधन में एक और पार्टी नाराज नजर आ रही है। मीडिया हाउस की तरफ से आई रिपोर्ट के अनुसार वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी महागठबंधन दल से खफा नजर आ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने यहां तक कि महागठबंधन छोड़ने तक की बात कह दी है। सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि अगर महागठबंधन में सम्मान नहीं मिला तो महागठबंधन दल को तुरंत छोड़ देंगे। सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, मेरे लिए कई विकल्प खुले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दलित कार्ड पर मायावती ने लगाए आरोप। बिहार में की 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दलित कार्ड खेलने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने आरोप लगाए हैं। मायावती ने आरोप लगाया है और कहा है कि एससी एसटी वर्ग के लोगों को अनेकों आश्वासन देकर उन्हें बेवकूफ बनाने का सिर्फ काम किया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के बहकावे में कोई ना आए, अब तो हिसाब किताब का समय है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से मांगे जवाब। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जारी तैयारियों के बीच सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं। इसके साथ तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के लिए नया नारा भी गढ़ दिया है, जिसके तहत राबड़ी देवी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर जवाब तलब करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने नया नारा देते हुए ट्वीट कर लिखा है, रहो तैयार क्योंकि तेजस्वी के नेतृत्व में चमकेगा बिहार। गिरिराज सिंह ने कोविड 19 की तरह जनसंख्या को रोकने के लिए भी वैक्सीन की उठाई मांग। भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह ने बीते दिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जिस तरह से कोविड 19 के रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, उसी तरह से भारत में जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए भी वैक्सीन बनाने की जरूरत है। देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कोविड 19 से हम सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, लेकिन जनसंख्या हमारे शिक्षा को बाधित करती है, हमारा हक लेता है, हमारे विकास को बाधित करता है। आज हर साल 2 करोड़ से ऊपर लोग पैदा हो रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि देश को विकसित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लाना बेहद जरूरी है। 12 सितंबर से रेलवे चलाएगी 80 नई स्पेशल ट्रेन। 12 सितंबर से रेलवे ने 80 नई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत रेलवे ने कोविड 19 के माहौल के बीच परिचालन को धीरे धीरे करके पटरी पर वापस लौटाने के तहत फैसला लिया है। वर्तमान समय में लगभग 230 विशेष स्पेशल ट्रेन का परिचालन हो रहा है, जिसमें से अब रेलवे इजाफा करने वाली है, जिसके तहत रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि रेलवे 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, जिसके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होगा। अब एनसीबी के हत्थे चढ़ेगी रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में संदिग्ध मानी जा रही रिया चक्रवर्ती अब एनसीबी के हत्थे चढ़ने वाली है। मेरी जानकारी के अनुसार रिया चक्रवर्ती से जल्द ही टीम पूछताछ कर सकती है। कुछ दिनों पहले उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को पकड़े जाने के बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी जल्द होने वाली है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के भाई ने इस पूरे मामले में उनके होने की पुष्टि भी कर दी है, जिसके बाद एजेंसी और अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने में लग गई है। वहीं जल्द ही रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में देखी जा सकती है। आईपीएल शेड्यूल का बढ़ा इंतजार। आईपीएल के आयोजन में अब सिर्फ 14 दिन बचे रह गए हैं। आईपीएल इस साल 19 सितंबर से यूनाइटेड अरब अमीरात में खेली जानी है। कोविड 19 के चलते इस साल आईपीएल यूएई में खेला जाएगा, जिसके बाद अब आईपीएल का शेड्यूल 6 सितंबर को जारी किया जाएगा। मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस बात की पुष्टि की और बताया है कि आईपीएल शेड्यूल लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसकी घोषणा 4 सितंबर तक कर दी जानी है, मगर अब इसे एक दिन और आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें, आईपीएल पहले इस साल 29 मार्च से भारत में खेला जाना था, लेकिन कोविड 19 के चलते स्थगित कर दिया गया। कोविड 19 जांच नीति में आईसीएमआर की अनुमति के बाद हुआ बदलाव। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड 19 जांच की रणनीति में बदलाव करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत व्यक्ति की मांग पर संक्रमण की जांच करने की अनुमति आईसीएमआर की तरफ से मिल गई है। हालांकि राज्य अपने हिसाब से इसमें संशोधन कर सकते हैं। आईसीएमआर ने देश या राज्य में प्रवेश के दौरान कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट का होना भी अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही सभी व्यक्तियों की मांग के आधार पर जांच करवाने का सुझाव भी दे दिया है, जिसके लिए आईसीएमआर ने बीते दिन 4वां संस्करण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य मांग के अनुरूप जांच और नियम कायदों में बदलाव कर सकते हैं।
व्हाट्सएप यूजर के लिए आई खुशखबरी। व्हाट्सएप अपने यूजर को बेहतर सुविधा देने के लिए हर दिन अपने फीचर्स में बदलाव करते रही है। इसी क्रम में व्हाट्सएप अपने यूजर को खुश करने के लिए नया फीचर लेकर आया है, जिसके तहत नए पोर्टल पर सिक्योरिटी अपडेट के बारे में व्हाट्सएप ने जानकारी साझा की है। कंपनी ने इसके तहत ही 6 खामियों के बारे में भी बताया है। व्हाट्सएप में एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। यह वेबसाइट दरअसल कंपनी के सिक्योरिटी एडवाइजरी अपडेट और खामियों के बारे में बताने के लिए जारी की गई है। व्हाट्सएप की खामियों के बारे में भी वेबसाइट पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप को अपने एप्लीकेशन में रिमोटली ट्रिगर मौजूद मिले थे। हालांकि यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे जिससे यह मालूम हो सके किस खामी का फायदा किसने उठाया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रतिभा गुप्ता, मनीष कुमार, बबलू कुमार, संतोष त्रिपाठी, उजाला चौधरी, पूजा कुमारी, शशि प्रकाश गुप्ता, नीतीश कुमार, विकास कुमार, विपिन कुमार, दिव्यांशु कुमारी, अंशु कुमार भूमियार, पीयूष, राकेश कुमार शर्मा, संजय राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार तेजस्वी यादव की तरफ से साझा की गई रोजगार वेबसाइट कितनी कारगर साबित होगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।